आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। जिले के भैरा पंचायत के गोठान में अवैध रूप से ईंट से पक्का मकान बनाने को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्राम के ही अवैध अतिक्रमणकारी दुलेश यदु के द्वारा दबंगई पूर्वक गोठान में अवैध कब्जा कर पक्का मकान बनाने को लेकर ग्राम पंचायत ने रोक लगाने के लिए कई बार नोटिस देने के साथ ही ग्रामीणों ने एकजुट होकर छुरा तहसीलदार SDM और जिला कलेक्टर को लिखित में हस्ताक्षर युक्त शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। बावजूद जिम्मेदारों द्वारा सुध नहीं लिए जाने से नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों की माने तो ग्राम के एकमात्र गौठान में ग्रामीण लंबे समय से अपने पालतू मवेशियों को वहां एकत्र करते आए। वहीं ग्राम में परंपरागत दीपावली त्योहार में मातर महोत्सव का आयोजन कर सभी ग्रामीण भव्यता से मनाते हैं। वर्तमान में गौठान में दबंगई पूर्वक अवैध कब्जा कर पक्का मकान बनाने से ग्रामीण काफी नाराज होने के साथ ही प्रशासन के उदासीन रवैये को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। वहीं मामले की जानकारी प्रभात मालिक जिला कलेक्टर को अवगत कराए जाने पर उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गांव में क्या है, गौठान तो लगभग गांव के हिसाब गांव वाले सियान लोग बताते हैं कि 40-50 से यहां गौठान निर्माण है और इसी में जो गांव का मावेशी है उसका बैठने का उठने का और त्यौहार का उत्सव यहीं मनाते हैं मातर वगैरह। और इसमें क्या है, पक्का मकान निर्माण कर रहे हैं एक अकेला व्यक्ति, तो इसमें गांव वाले असमर्थ हैं और गांव में उसको ग्राम सभा करके उसको बोले हैं कि यह अतिक्रमण हटा दिया जाए, तो गांव वाले के बात नहीं माने, इसलिए गांव वाले आगे बढ़ के तहसीलदार को निर्माण कार्य अभी चालू है कि बंद है? अभी फिलहाल बंद है। अच्छा। अतिक्रमण तो गांव बताते अनुसार से बहुत दिन हो गए, कम से कम 40-50 साल के यहां से गौठान है और बीच में अतिक्रमण के लिए आवेदन पंचायत में किए थे, लेकिन पंचायत के माध्यम से तहसीलदार को अवगत कराया गया, आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी कहाँ चाहता है? अभी गांव के हिसाब से और ग्राम पंचायत के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए ठोस प्रक्रिया। कहाँ कहाँ शिकायत करे? यहाँ छुरा तहसील में शिकायत किए हैं, प्लस कलेक्टर के पास भी शिकायत किए हैं, फिर भी और SDM के पास भी शिकायत किए हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। अतिक्रमण अभी कम से कम 5 महीना हो चुका है और हम लोग जो भी बने तहसीलदार और उसके बाद कलेक्टर के पास भी गए, लेकिन अभी तक हमारा समस्या हल नहीं हुआ है और गांव वाले चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे और गांव शांति बहार रहे। अतिक्रमण नहीं हटाते तेकर पूरा जिम्मेदार कौन है? अधिकारी मन लापरवाही कर, ये अधिकारी की लापरवाही है। पूर्व में जो अधिकारी था वो कुछ काम नहीं किया और उल्टा में हम ही लोगों को डांटते हैं। सब जगह शिकायत कर चुके हैं। अभी अब जब अतिक्रमण नहीं हटी तो आप मन का कर सकते हो, कैसे कार्रवाई होना चाहिए? अब अतिक्रमण नहीं हटेगा तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करेंगे गांव में, हमारा जो बन रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमन हाँ एक गौठान लगभग 40-50 साल से एक गौठान है सियान मन के यहाँ से। अच्छा। हाँ मन मातर उत्सव अथन और यहाँ बैठते गाय गरु और ये आवेदन हमन तहसीलदार करा। अच्छा। तहसीलदार के चक्कर काटत हमें 4-5 महीना हो गए, ओकर बाद हमन कलेक्टर में आवेदन लगाएं, कलेक्टर से गेंद तो बोलीस कि तुम जाओ तहसीलदार करा, तो तहसीलदार कराएं तो आज जिप्सी मिलेगा क्या, क्या जिप्सी मिलेगा? तो गांव वाले हम लोग कहाँ से जिप्सी तैयार करेंगे भाई, हैं ये तुम्हारा काम है। फिर उसके बाद हम लोग गांव वाले पेशी ऊपर पेशी रेंगाते रहते और वो पक्षल बलाबे नहीं करे, अभी दो पेशी गए हम तो खड़े च नहीं हुए वो पेशी में। नहीं साहब, उसके अंतर्गत उस गांव में एक परंपरागत जगह थी और एक नया गोठान है, दो जगह है। एक जगह पर अतिक्रमण की शिकायत आई थी, उसका भी केस पंजीयन कर लिया गया है, कुछ अंश उसका गोठान के अंतर्गत अतिक्रमण पाया गया है, घर बना हुआ है, आबादी पट्टा है, तो चूँकि बारिश में कथा तो अभी वो जांच करके जितना पार्ट अतिक्रमण पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसमें ये भी शिकायत आई है कि उसमें कुछ पैसे का लेन देन हुआ है वहाँ पे वो कराने में, तो जिन जिन लोगों के द्वारा वो किया गया उन पे भी कार्रवाई के लिए बोला गया है। गरियाबंद जिला ब्यूरो जितेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।